सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये व्लॉग बहुत लंबा बनाया है, बट ट्रस्ट मी, आप लोग एक बार देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि ये व्लॉग लंबा क्यों है। तीन तीन बर्थडे पार्टी हुई थी मेरी, तो इस वजह से इस व्लॉग में मैंने बहुत एडिटिंग करी, बट उसके बाद भी ये लंबा हो गया। सो बट यू विल लव इट, सो प्लीज़ वॉच इट। सो आप लोग देख सकते होंगे मेरे बैकग्राउंड में आपको बैलून्स दिखाई दे रहे होंगे। सो आज का व्लॉग कुछ इसी टॉपिक पे है कि ये जो बैलून्स आप लोगों को दिख रहे हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ये हैप्पी बर्थडे टू मी। ये दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से। गाइस, बहुत स्पेशल फील होता है अगर अपना कोई आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता है। हाँ, माना कि इनका सरप्राइज़ मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि एक ही में घर में रहते हुए अगर वो कुछ डेकोरेशन वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली इंसान हर टाइम बेडरूम में तो बैठा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी निकलता है तो पता चल ही जाता है। संधू, ये संधू क्या हो रहा है? सबसे पहले रात को 12 बजे बर्थडे पार्टी हुई थी, तो उसके लिए हम सब डेकोरेट कर रहे हैं। और ज़्यादा मस्ती करी, मुझे पता चल गया तो मैंने इनके साथ और हेल्प करी। तो मैंने इनके साथ, इनके दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करी। इनके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मुझे फैमिली की कमी फील नहीं हो रही है, क्योंकि इनके दोस्तों ने वो जगह ले ली है। अगर हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, भी लगाएंगे साइड में, वो टेप वेप दिख रहे हैं ना। 11 बजे वाली और जल्दी जल्दी करो। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। रात के 12 बजे केक कट करने के बाद हम लोगों ने डांस किया, मस्ती की। Thank you.
हम पसंद क्या करेंगे? गाइज आप लोगों को तो पता ही है, नॉर्मली ही मैं इतने फ़ोटोज़ लेती हूँ। फिर उस दिन तो मेरा बर्थडे था तो मैंने लाइन लगा दी फ़ोटोज़ की, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था फ़ोटोज़ लेने में। तो ये है मेरे कुछ फ़ोटोज़। सेलिब्रेट किया और बहुत ही मज़े किए। फिर हम लोग 2 बजे अप्रोक्स सोए। फिर मेरा मन था सनराइज़ देखने का, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बीच पर जाएंगे। तो अप्रोक्स हम लोग 5 बजे बीच के लिए निकल गए, जिसके लिए हम लोगों को 4 बजे जगना पड़ा। 2 बजे सोने के बाद 4 बजे जगने में हम लोगों की हालत ख़राब थी। हम लोगों को लग नहीं रहा था कि ये प्लान पॉसिबल हो पाएगा, बट पता नहीं कैसे सब लोग जग गए और हम लोग निकल पड़े अपनी अपनी बाइक्स पे। फिर रास्ते में हम लोगों ने बहुत मस्ती की। पहले तो हम सब नींद में थे, कोई नहाया नहीं था क्योंकि बीच पर जा रहे थे। ऑब्वियसली सब लोगों ने बीच पे बहुत मस्ती करी और नहाए धोए हम लोग, बहुत वहाँ पे बहुत मज़े किए। ये जो बीच था ये कुछ अलग ही टाइप का था, इसमें इतनी ज़्यादा लहरें आ रही थी ना, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग जैसे ही वहाँ से बैठते थे तुरंत गिर जाते थे पत्थरों पर। जाओ भाभी आप भी जाओ, नहीं गिरोगे। हाथ पकड़ के चढ़ना उस पर, गिर जाओ वरना। आ जाओ उस पे, आ जाओ रहने दो, उस पे आ जाओ, उस पे आराम से मेरा फोन तुम पे ही है क्या? बोल मुझे सारे तुम अपना बोली डालो भाई, सोची भीग जाओगे। नहीं भीग रहा हूँ, उधर लाइन दीजिए भैया ने सबने डाल रखा, अपने कोई बोल रही है कहाँ रुक जाओ सारे भिखी दी थी या पर डाल लेते हैं, मैं डाल दूँगा कहीं भी। नमी का तो सारी हो गई भैया, रुक जाओ तो कोई नहीं। Love you, zindagi. Love you, zindagi.
लोगों को मजे, हम लोग तभी मज़े कर सकते हैं जब हमारी कंपनी भी मज़ेदार हो। इट मीन्स हमारे फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल जो भी होता है वो भी हमारे हमारे जैसा हो। सनराइज़ देखने के लिए हम लोगों ने उस दिन बीच का प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन सनराइज़ तो हुआ ही नहीं क्योंकि उस दिन बादल इतने छाए हुए थे। बट बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई उस दिन, बारिश, बीच पर बारिश, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मैं बीच पर थी और बारिश हो रहा था, बारिश हो रही थी, क्योंकि बीच पे तो मैं कई बार गई हूँ पर कभी बारिश का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बट उस दिन बहुत ही मज़ा आया मेरे को, जो प्लान किया था वो तो नहीं हुआ बट उससे भी अच्छा हो गया मेरे साथ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं चेन्नई में, तो मुझे उनके साथ बहुत मज़े आए। जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मस्ती वाले, मस्ती खोर एकदम। फिर हम लोग घर पर आए, गरम गरम चाय पी और नहाए धोए, कपड़े वपड़े वॉश किए। उसके बाद हम लोगों को बज गए थे 11-12। फिर उसके बाद हम लोगों ने अप्रोक्स 2.5 घंटे का रेस्ट लिया। 3 बजे उठकर हम लोग वहाँ गए हॉल में, हम लोगों ने जो हॉल बुक किया था वहाँ डेकोरेशन की। हम लोग ना डेकोरेशन के साथ साथ बहुत मस्ती भी कर रहे थे। चेन्नई में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड मिली जिसका नाम था नीति, तो उसके साथ मैंने फुल एंजॉय किया। हमने सेम टॉप पहने हुए हैं, सेम कलर के, सेम लेके आए थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी। ये सब जो इतना आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है ना, इसको करने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था। सो मेरे को देख के हंसी आ रही है कि हम लोग कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। फाइनली हमने जो मेहनत करी है वो रंग लाई है, डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है हमारा। निकाल के साइड में रख दे भाई, मम्मी बोलते कैंडल हो जाते हैं। हां बुझाने में नहीं चाहिए, खा रखो ना। ये नहीं चलती आजकल, नहीं चलेगी। हां वो नीचे है, उसमें नीचे नीचे नीचे। अरे वो कर ले जो मैंने उस दिन किया था, जैसे ऊपर से फोड़ के। हम्म, नहीं चलेगी। वो नहीं आएगी तो उसे ऊपर से फूल की तरह परेशान आएगा ऐसे। मैं केक के साथ ये भी खा लिया। चलो मिलाते हैं, चलो जिसे मुंह भाड़ना हो मुंह नहीं भाड़ना, मुंह नहीं भाड़ना। कपल डांस कंपटीशन हुआ ऑन पेपर, बहुत मजा आया हम लोगों को, इसको एंजॉय किया हम लोगों ने फुल टू।
हाँ बिल्कुल चलो देख चलो चलो नहीं जीते अभी चलो आउट हो गए आप चलो जीत गए चलो ये अभी यही जीत गए कह रहा बाकी सबको ये मध्य और तो देखी जाएगी Thank you.
बर्थडे इस बार सच में मेरे हस्बैंड ने यादगार बना दिया। ये शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था और मैंने इसको फुल इंजॉय किया। बहुत मज़ा आया सीरियसली गाइस, सबके साथ ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग है। सब ये आपके लिए है मेरे पति देव। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरी थी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, बट एक दिन पहले हम लोगों ने इतना सब सेलिब्रेट किया था, उस दिन मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, मतलब एकदम थकान हो रखी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे तो घर पे ही खाना पीना बनाया था और दोस्तों को इनवाइट कर लिया था, बस घर पे खाना पीना गया था हम बाहर। और ये था हाउ आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन चेन्नई। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स देखना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर करें। जो आपकी लाइफ में हो रहा है प्लीज़ उसको एंजॉय करें। सो कीप लविंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू, बाय 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 गाइस। मेरा बस एक फ़ोटो लेने के लिए ये लोग मेरे को इतना इरिटेट कर देते हैं कभी कभी।